Finally, we are in the Diguli Pokhri of Diguwati Assam. The nearest metro station is, yeah, mein koi metro station nahi hai. Railway station hai. The nearest railway station is Guwahati Railway Station. Welcome to Diguli Pokhri of Guwahati. Diguli Pokhri is very famous in Guwahati. कभी भी आपको गुवाहाटी का रेलवे जर्नी अगर बोरिंग लगे, you need to get some fresh air and fresh moment, then you must visit Diguli Pokhri, जो hardly आपको 5 to 10 minutes का distance है, walking distance of Guwahati railway station. Memorial in Diguli Pokhri of Assam. चुकी दिन से मजा लग रहा है. Finally Diguli Pokhri के अंदर में आ चुके हैं हम लोग और ये वॉर मेमोरियल सेक्शन है. इसमें आपको शूज लेकर टैंक्स सब दिखा देगा. आपको मैं दिखाने के लिए कोशिश करूंगा, है ना. चलिए, दिस इज नंबर TS5222. ये कोई नंबर नहीं है, एक्चुअली ये सीक्वेंस है. एयरजेट का उड़ाने तो मिलेगा नहीं, फिर भी आपको हम दिखा तो सकते हैं ना. हाउ इट डज इट लुक्स. ये वॉर मेमोरियल हाउस है आपका Diguli Pokhri का अंदर में. अभी मैं आपको दिखाऊंगा ठीक उसी प्लेसेस के सामने दो रॉकेट मिसाइल फायर. Are you ready? Ready to launch. आसमान को चीरते हुए निकल जाता है दुश्मनों का घर में. मैं आपको नीचे जो जा रहा हूँ, ये लोअर स्टेप में जा रहा हूँ. लोअर स्टेप में मैं आपको मुगल साम्राज्य के साथ लड़ने वाला भीषण युद्ध के बारे में थोड़ी हल्की झलक दिखाया गया है. उसी चीज को मैं आपको इस वीडियो क्लिप में दिखाऊंगा. सिम्बल्स आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ में. ये रिप्रेजेंट करता है ड्यूरिंग दैट बैटल पीरियड्स को. जो नेक्स्ट इमेज आपको शो करेगा उस इमेज का हिस्ट्री को 1538 हाउ द किंग वर एबल टू प्रोटेक्ट दियर लैंड ऑफ द असम. इज मोमाई कटागर. ये जो रिफ्लेक्ट करता है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है अभी भी. इवन टिल द यूथ यूज टू वोट द वर्ड, बोलते ना देश से बड़ा मामा नहीं. इन्होंने अपने मामा का ही सिर काट दिया था. जो टास्क उन्हें दिया गया था वो टास्क कंप्लीट ना करने का चलते, ड्यू टू द लेजीनेस बोल भी सकते हैं, उसका चलते उनका सर काट दिया गया था. इसी चीज को रिफ्लेक्ट किया गया इस इमेज में. द बैटल ऑफ द समधारा. इस चीज को क्या है बोलने से, मुगल साम्राज्य ने जैसे ही असम या नॉर्थ ईस्ट में शुरू किया था अपना पहल को लेके, तो उसी समय इस युद्ध को ये अराउंड 7th सेंचुरी को दर्शाता है कि हाउ द अहोम्स एंड द असमीज पीपल प्रोटेक्ट देयर लैंड फ्रॉम द ग्रेट हैंड ऑफ द मुगल. जैसे जैसे शाम होते जाता है, जैसे नेपाल में आपका पोखरा को फेवाताल लेक है, उसी तरह असम का Diguli Pokhri है. इज वेरी फेमस इन Guwahati एंड एंटायर द नॉर्थ ईस्ट. एंड हियर इज द व्यू. आप देख सकते हैं फ्रॉम माय बैक साइड, दिस इज द Diguli Pokhri. एंड दिस इज 1962-65. उसके बाद आता है 1971, जहां पाकिस्तान का दो टुकड़ा कर दिया था भारत देश ने. 1971 का ये आपका फाइनल वॉर द एंड, जहां पे दो देश आपसी एग्रीमेंट में विलुप्त होते हुए. हियर इज द इमेज. इट्स अ ग्लोरी मोमेंट फॉर आवर्स. इस तरह से ये कम्प्लीट आपका फ्रॉम द ब्रिटिश पीरियड टू द प्रेजेंट पीरियड वॉर मेमोरी को लेके रिफ्लेक्ट किया गया है. एंड अमंग दैट अमर जवान द ग्रेट स्टैच्यू ऑफ इंडिया. और मेरा पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका सरायघाट का बैटल, लास्ट बैटल ऑफ द सरायघाट बोलूंगा. असम में सरायघाट का बैटल इज वेरी वेरी फेमस अमंग ऑल द यूथ, क्योंकि इस बैटल में करो या मरो का बात था. असम को जैसे भी मुगल का हाथ से बचाना था, इसीलिए ये फोर्ट बैटल जो ब्रह्मपुत्र नदी में कराई हुआ था, उस जमाने का सबसे प्रसिद्ध युद्ध बैटल ग्राउंड. Oh, 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 oh
enter the war memorial museum. How it looks from the inside, I will try to show you. ये generation by generation development of the Indian army का है. How our Indian army were developed from that British period to the present time. This is the war memory house in the Digalpukri of Assam. Finally, with this lovely flower visit, the ends of the video here. See you in the next video. Abhi tak subscribe nahi kiya tha, please subscribe kar lijiye.